नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के ग्राम पंचायत सैदपुर गंगू में ग्राम ढकिया में बिजली की बहुत समस्या है। हमारे गांव में हाई टेंशन लाइन सभी के घरों से ऊपर होकर गुजरती है, जिससे हर समय खतरा रहता है। ग्रामवासी इस समस्या को लगभग एक साल से लेकर जेई से कहा था। इसके बाद गांव वालों ने एसडीओ के कार्यालय में एप्लीकेशन जमा की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वैसे भी रमजान का महीना चल रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को अत्यंत परेशानी हो रही है और पशुओं को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। लगभग 20 दिन से लाइट भी नहीं आई है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया, जिससे किसान यूनियन लोक शक्ति के नजरे आलम सलाहकार समिति संभल समरपाल सिंह, रोहित कुमार, सुरेश सिंह, नफीस अहमद, हसनैन सत्ता हुसैन, कर्मवीर सिंह, मूलचंद सिंह, चरण सिंह, अलाउद्दीन महमूद अली, मोहम्मद असलम, मेहंदी हसन आदि सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। संबल ब्यूरो, मोहम्मद अली की रिपोर्ट। डेढ़ साल हो गया है कम से कम परेशान होते हुए, कोई हमारी सुनता नहीं। हम संबल के भी चक्कर लगा चुके हैं कई, लेकिन आश्वासन दिया जाता है और चालू नहीं होती। एक आदमी के कहने से ही आधे गाँव में तो जल रही है, लेकिन हमारा मोहल्ला एक ऐसा है कि वो बिल्कुल लाइट नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल लाइट नहीं पहुंच रही है। अच्छा, 8-8 दिन हो जाते हैं, पानी के लिए भी तरस जाते हैं हम लोग। हम यही सर अपील करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, जल्द से जल्द। अब रमजान वैसे चल रहे हैं, पानी की बहुत परेशानी होती है सर हमको, नहाने के लिए और पशु हैं, पशुओं को भी पानी नहीं मिलता टाइम से। हम यही चाह रहे हैं कि ये लाइन जल्द से जल्द चालू हो जाए, हमारा समाधान हो जाए। जय साहब क्या कहते हैं? जय साहब को अवगत कराया, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं है, वो यही कह देते हैं। और ये भी तो बोल रहे थे राजनीति वाले बात के, बोले गांव में आपके राजनीति हो रही है। हमने कहा कि सर सरकारी लाइन सरकारी काम में कोई राजनीति तो बाधा नहीं डाल सकती, तो हमसे उन्होंने ये कहा कि आपके गांव में राजनीति की वजह है जो लाइट नहीं खींच रही है।